me lies. Hate me. Tell me how I'm trash and you get. तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में जो वीडियो देखा भाई, इस टाइप की वीडियो चल रही है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में। अब इस टाइप की वीडियो को कैसे एडिट करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें जो भी मटेरियल हम यूज़ करने वाले वो सब आप लोगों को देने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत करके बनाया है। जी हाँ भाई, मैंने ही बनाया है। तो चलो आपको बता दो कि इस टाइप की वीडियो आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो चलिए हमारी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम जो भी मटेरियल यूज़ करने वाले वो आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो akashkahar.in। जैसे आप लोग सर्च करोगे यहाँ पहली वाली वेबसाइट आ जाएंगी, उस पर आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन दिख रही है ऊपर साइड कॉर्नर पे, आपको उस पर क्लिक करना है। और देखो सबसे नीचे में हेट मी मटेरियल्स लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मीडिया फायर की ये आ जाएगा पेज, आपको उस पर क्लिक करना है। जो भी डाउनलोड करना है सारे डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो डाउनलोड करने के लिए बस आपको सिंपल उस पर बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बस इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, और ये डाउनलोड बटन आपके सामने पॉपअप आ जाएगा और डाउनलोड कर लेना है। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले तो VPN कनेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको कैपकट ऐप ओपन करना है। कैपकट ऐप ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है, और आपकी जो रॉ वीडियो है आप लोगों को वो ले लेना है। ठीक है, जो आप लोगों ने शूट करके रखी है वो। अगर आप लोगों को नहीं पता शूट कैसे करना, तो चलो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये जैसे कि मेरी रॉ वीडियो है बिना एडिट की वाली वीडियो, ये मैंने कुछ इस टाइप से रिकॉर्ड किया। मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, बैठने के बाद मैं हेडफोन पहनूंगा। ठीक है, हेडफोन पहनने के बाद मैं मोबाइल उठाऊंगा और ऐसे मोबाइल में इचकूंगा, और उसके बाद मैं एक जगह से स्टॉप हो जाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं फ्रीज हो गया हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, मैं अपना लेफ्ट वाला हैंड लेके जाऊंगा, मेरे बाजू में मैंने एक RGB लाइट का रिमोट रखा हूँ, और मैं उसको ऑन करूंगा जो ऑफ है। रेड कलर का ये अभी तो पिंक दिख रहा है, पर ये रेड कलर हो जाएगा अपने आप, जैसे कि हो चुका है। अब इसके बाद मेरे बाजू में एक स्विच बोर्ड है जो है रिंग लाइट का, वो मैं ऑफ कर दूंगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरी वीडियो रेड हो चुकी है। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। अब जैसे कि हम लोग इसमें फायर इफेक्ट ऐड करने वाले हैं, जो आग रहेंगी हम वो ऐड करने वाले हैं। अब अगर आप लोगों को पता है कि हम आग के पास जब खड़े होते हैं तो पूरा उसका रिफ्लेक्स पूरा हमारे फेस पे आता है, तो रेड दिखता है ना। तो जब मेरे आजू बाजू में जब आग जल रही रहेंगी, तो हमें वो ऐसा फील करवाना है लोगों की कि भाई रियल में आग जल रही है करके। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से रेड कलर का लाइट अगर आपके पास होगा तो आप लोग ले लेना है, तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, पर आप लोगों को ऐसे डार्क टाइप में वीडियो शूट करना है, ताकि आप लोग जो फायर इफेक्ट ऐड करोगे तो काफी बढ़िया लगेगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करना है आप लोगों को, ये पूरी वीडियो है मैं इसको कर लेता हूं स्प्लिट। जो भी हमारा मेन क्लिप है हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं। यहां पे मैंने हेडफोन पहना और इसको स्प्लिट करूंगा, और लेफ्ट वाला पार्ट को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, एक स्प्लिट लगाऊंगा, और ये लाइट ऑन किया, यहाँ पे एक स्प्लिट लगाऊंगा, और ये बीच वाला पार्ट इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, दो क्लिप रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है आप लोगों को, म्यूजिक लेना है। ठीक है, तो ऐड ऑडियो में जाना है, एक्सट्रैक्टेड में जाना है आप लोगों को, और मैं आप लोगों को अपनी वीडियो दे दूंगा। और जो सारी चीज मैंने जो मटेरियल है आप लोग जैसे कि देख सकते हो भाई, मैंने ग्रीन स्क्रीन तक बना के रखा हूँ, जो लिरिक्स है वो सब भाई मैंने बनाया हूँ। भाई बहुत टाइम लग गया था भाई ये सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं मेरी वीडियो, और उसका बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, ये 9 सेकंड का ये, तो हम लोगों को इसको स्प्लिट करना है और राइट वाली क्लिप को डिलीट कर देना है। तो कुछ हिसाब से आपका वीडियो है बराबर ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा इसको ट्रिम करना है, क्योंकि यहाँ से हमारी बीट आने वाली है। ठीक है, ये यहाँ से बीट आने वाली है हमारी वाली, जो फायर इफेक्ट है ना, हम लोग यहाँ से लिरिक्स जो है हमारी यहाँ से आने वाली, हेट मी नहीं क्या, वो यहाँ से आने वाला है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम लोग। ओके, तो ये फाइनल हमारा हो चुका है। अब क्या करना है आप लोगों को, ये वीडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्राइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको वीडियो को कॉपी कर लेना है और इसको ओवरले में ऐड कर लेना है, कुछ इस टाइप से जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सेकेंड क्लिप के साथ भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कॉपी करना है, और आपको ये वीडियो पे क्लिक करना है, और आप लोगों को यहाँ पे ओवरले कर लेना है। तो ये आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, म्यूट करना भूल गया मैं, क्योंकि वीडियो में से आवाज आएंगी ना इसलिए। तो सबसे पहले आप लोगों को म्यूट ही कर लेना, जब वीडियो ऐड करोगे ना तभी म्यूट कर लेना। तो ये हमारा हो चुका है। तो जैसे कि हम लोगों ने ये वीडियो को लेयर में ऐड कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, ये वीडियो पे क्लिक करना है जो हमने लेयर में ऐड किए, और आप लोगों को जाना है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, कटआउट में जाना है आपको और रिमूव बैकग्राउंड करना है, जैसे कि ये हो गया। सेकंड क्लिप के साथ भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इसका रिमूव बैकग्राउंड कर लेना है। तो दोनों वीडियो का मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया हूं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब क्या करना है आप लोगों को, ऐड ओवरले पे जाना है। ऐड ओवरले पे जाने के बाद आप लोगों को मैं आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दूंगा, अब वो आप लोगों को ऐड कर लेना है। ठीक है, ये मैंने बनाया वाली जो है
ठीक है, तो ये आप लोगों को ऐड करना है, आपको थोड़ा सा आगे जाना है, उसके बाद आपको कटआउट पे जाना है और क्रोमा की पे जाना है। क्रोमा की पे जाने के बाद आपको ये ग्रीन कलर जो वाला है सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों को, और इंटेंसिटी पे जाना है। इंटेंसिटी में जाने के बाद आप लोगों को उसको फुल कर लेना है। कब तक करना है, जब तक अच्छे से प्रॉपर तरीके से ग्रीन स्क्रीन हट नहीं जाता। 50% में मेरा बहुत अच्छे तरीके से इसका रिमूव हो जाता है और मैं राइट क्लिक कर दूंगा। अब राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आपके पीछे में, इसको कुछ इस टाइप से ऐड करना है, जैसे कि मैंने ये ऐड कर लिया। अब क्या करना है, आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोगों को इसकी स्पीड बढ़ाना है। स्पीड में जाना है आप लोगों को, नॉर्मल में जाना है और आपको उसको कर लेना है 2.3। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ऐड कर लिया और राइट क्लिक मैं कर दूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को जाना है स्लाइड करना है लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद ये 2 पे सिलेक्ट होगा, आपको 1 पे करना है। और 1 पे जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे तो ये भाई मेरे पीछे चले जाएंगे। हमने इसीलिए बैकग्राउंड रिमूव किए थे, आप लोग जैसे कि देख सकते हो, तो ये हमारे पीछे आ गया बहुत ही बड़ी तरीके से। पर ये एकदम से ऐसा लगा देंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो हमको बराबर इसको टाइम के साथ ही मैच करना होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाना है, मोबाइल उठाऊंगा मैं जब यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक की लगाऊंगा, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले आपको आगे जाके की लगाना है, उसके बाद आपको फिर बैक साइड आना है और आप लोगों को एक और की लगाना है। की लगाना नहीं है, बस आपको इसको जूम आउट कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली की लग जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये पॉपअप में आएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप लोग समझ गएंगे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अगर ऐसी लगाते तो भाई वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो पॉपअप में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक मिलता है वीडियो का। तो ये हमने कुछ ऐसा पॉपअप लगा दिए, तो ये काम हमारा हो चुका है। ठीक है, आप लोग समझ गएंगे, इतना तो आप लोग समझ गएंगे कैसे क्या करना है। अब आना है आप लोगों को सेकंड वाली क्लिप में, और यहाँ पे जाना है ऐड ओवरले पे, और आपको मैं दूंगा फायर वाले 3 दूंगा, आप लोगों को जो सही लगे आप लोग वो ऐड कर लेना। तो मैं ये ऐड करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद क्या करूँगा, मैं ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाऊँगा नीचे में, आप लोग देख सकते हो, उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं फिल्टर वाले पर जाऊँगा, फिल्टर वाला सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद मैं इसको कर लूँगा जूम कर लूँगा थोड़ा, और मैं इसको बराबर पीछे साइड में ऐड करूँगा, जैसे कि मैंने ये ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को वही क्लिप पे सिलेक्ट रखना है और आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है और लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद ये 2 पे सिलेक्ट होगा, आपको 1 पे करना है। और जैसे ही आप लोग 1 पे करेंगे तो भाई जो आग जल रही थी वो आपके पीछे जल जाएंगी, और आप लोग जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को हल्का हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ऐड किएगा, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा वो अजीब सा दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि चिपकाया है किसी ने करके। तो मैं जाऊँगा थोड़ा आगे और यहाँ पे जाऊँगा मार्क्स में, और यहाँ पे स्प्लिट वाला सिलेक्ट करूँगा, और इसको मैं कुछ ऐसा नीचे सिलेक्ट करके ले जाऊँगा। तो जैसे कि आप लोगों को ये एरो दिख रहा है, आपको हल्का सा बस इसको डाउन करना है, हल्का सा नीचे खींचना है इसको कुछ इस टाइप से, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। अब समझ में नहीं आएगा कि हमने इसको चिपकाया है हमने करके। अब जैसे कि हमने ये फायर वाला इफेक्ट लगा दिया है हमने ओवरली, अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से भाई आएगा और बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। अब समझ में आया ना आप लोगों को कि मैंने रेड वाला लाइट का क्यों यूज़ किया था। अब देखो कितना मैच कर रहा है, वो आग भी बढ़िया दिख रही है, कलर भी रेड कलर का दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसलिए मैंने रेड कलर का लाइट का यूज़ किया था। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और इफेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आप लोग को, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको वीडियो इफेक्ट पे जाना है, और आपको ऐसा स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पार्क करके मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्पार्क पे जैसे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखो मिल जाएगा बाय द फायर, अब इसका पूरा नाम भी नहीं दिख रहा है यार, तो आपको उस पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपको उसको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको आप लोगों को पूरा बराबर देख लो मैं कैसा कर रहा हूँ, वैसा ही करना है आप लोगों को, पूरा एंड तक रखना है इसको, आप लोग जैसे कि देख सकते हो। अब क्या करना है देखो, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वीडियो में बहुत बारीकी ध्यान देना पड़ता है। अब देखो पीछे जो आग जल रही है, ठीक है, मेरे वो फास्ट है, और ये जो स्पार्क जो है ये धीरे धीरे आ रहे हैं, तो हमको उसकी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा उनके साथ। कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया, हाँ अब ठीक है। तो ये हमने स्पीड के साथ बराबर मैच किए, तो काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है ये। ठीक है, अब बैक आएंगे हम लोग, और वो जो ओवरली हमने जो लिए थे ना ये फायर वाली, इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है वो, उसको हम डिलीट कर देंगे इतना। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमने इसको बराबर से ऐड कर लिया है। अब आपको एक चीज़ और ऐड करना है, हमने फायर इफेक्ट तो लगा दिए, अब ऐड ओवरली पे जाना है आप लोगों को, और आप लोगों को मैं लिरिक्स की वीडियो दे दूंगा, ये रहेंगी वीडियो। ठीक है, ये भी मैंने बनाया भाई, मैनुअली बनाया हूँ, मोबाइल से बहुत टाइम लगा था इसको बनाने के लिए। तो जैसे कि ये वीडियो आ जाएंगी, आपको थोड़ा स्लाइड करना है और आपको कटआउट पर जाना है, क्रोमा की पे जाना है, और आप लोगों को ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है और इंटेंसिटी पे जाना है, और उसका आपको इंटेंसिटी बढ़ा लेना है जब तक ब्लू स्क्रीन हटती नहीं, जब तक। ठीक है, और ये मेरी हट चुकी है, उसको मैं कर लूँगा जूम आउट, और कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर इसको बराबर लगा दूंगा। ठीक है, लगाने के बाद क्या करना है आपको, बैग आना है। बैग आने के बाद आपको यहाँ पे ओपेसिटी पे जाना है। ओपेसिटी पे आने के बाद इसकी ओपेसिटी कम करना है। अब वो कम इसलिए करना है क्योंकि थोड़ा सा वाइट ज़्यादा दिख रहा है वो, इसलिए मैं थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम करूँगा।
और ये बराबर हो गया हमारा। अब इसको बराबर हम लोग यहाँ से बराबर ये क्लिप के हिसाब से बराबर लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा मैं चेक कर लूँगा यहाँ पे, एक स्प्लिट लगाऊंगा मैं क्योंकि इसमें गैप हो गई थी, ठीक है, थोड़ा टाइम का इशू हो गया था यहाँ पे। तो ये परफेक्ट तरीके से लिरिक्स भी ऐड हो चुकी है। अभी हमारा पूरा फाइनल वीडियो हो चुका है, बस ये फर्स्ट वाली जो क्लिप दिख रही है इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर लेना है ताकि आपकी जो वीडियो थोड़ा डार्क सा लगे। तो वो भी आप लोग को बैक आके आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाना है, और अगर आप लोग फिल्टर लगाना चाहते तो फिल्टर भी लगा सकते हो, पर डार्क वाला लगाना ताकि अच्छा सा फील हो। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसलिए मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है कलर ग्रेडिंग करने में, मेरे को बहुत टाइम लगा था, और ऊपर से वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने ये थोड़ा डार्क टाइप का लगा लिया, और यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह कम कर लूंगा कुछ इस टाइप से, और ये एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा कम करूंगा, और यहाँ पे आना है आप लोगों को हाईलाइट पे, हाईलाइट को थोड़ा सा कम करना है आप लोगों को, और शेडो को जैसे का वैसा रहने देना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है बराबर सा, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। जैसे कि मैंने ये एडजस्ट कर लिया और थोड़ा सा हो गया चुका है डार्क सा हो चुका है वीडियो। अब एक इफेक्ट और लगाना है, वो रहेगा अच्छा के याद आ गया मेरे को टाइम पे। यहाँ आप लोगों को ये वाली क्लिप के नीचे आना है बराबर, और बैक आना है, और यहाँ पे आना है आपको इफेक्ट में। इफेक्ट पे आने के बाद वीडियो इफेक्ट में जाना है। अच्छा, ये ग्लो वाला आप लोगों को ये इफेक्ट लगाना है आप लोगों को, ठीक है। ये लगाने के बाद आपको एड राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों को ये ओवरली दिख रही है ना ग्रीन स्क्रीन वाली, उस पे सिलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा आप लोगों को बता देता हूं मैं। तो ये थोड़ा हमने ग्लो बढ़ा लिए हैं कुछ इस टाइप से, और हमारी वीडियो में ग्लो इफेक्ट लग चुका है, और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो उसके जो पॉइंट ये है आइकॉन है वो थोड़े से ग्लो करेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक आप लोगों को कर देना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ग्लो इफेक्ट लग गया, और काफी बढ़िया लुक वो दे रहा है। अब मैं आप लोगों को पूरी फाइनल वीडियो बन चुकी है, आप लोग जैसे कि देख सकते हो हमने सारे इफेक्ट वगैरह सब कुछ लगा लिया। अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूं। तो कुछ इस टाइप से वीडियो बन चुका है। अब देखो यहाँ पर वीडियो के बीच में जो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, तो आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रांजिशन दे देना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी वाली इफेक्ट पे जाना है आप लोगों को, और वीडियो इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। इफेक्ट में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है, और आप लोग यहाँ पे नाइट क्लब मिलेंगे उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो फ्लैश बाउंस दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों को जो सही लगे आप लोग वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आऊंगा और इसको मैं इतना ट्रिम कर लूंगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ऑल वीडियोस पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो पे लग जाएगा और काफी बढ़िया लगेगा। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से वीडियो एडिट हुई है। आई नो कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, पर भाई ऐसी वीडियो बनाने को बहुत टाइम लगता है। मुझे कितना टाइम लगा भाई मुझे पता है, और मैंने अपनी वीडियो बनाने के बाद में ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तब जाके ये वीडियो तब भी जल्दी बन रही है। मैंने बनाया तो भाई पूरी शाम रात हो गई थी भाई। हम लोग उसको सिंपल सेव कर लेते हैं, और एक बात, जब भी रील्स के लिए वीडियो हम एडिट कर रहे हैं तो 1080p 30fps में आप लोगों को सेव करना है, और इसको हाई पे करना है, और आपको उसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगी और क्वालिटी भी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हाँ, तो अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसमें जो मटेरियल जो यूज किए भाई मैंने बनाया हूं, खुद बनाया हूं, बहुत ज्यादा टाइम लगा, सच में काफी ज्यादा टाइम लगा है। और आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कितना इजी तरीके से एडिट कर सकते हो वो सब कुछ मैंने बता दिया हूं। तो भाई लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ऐसे और ट्यूटोरियल देखने के लिए, और घंटी को भी दबा देना। सो लेके आते न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।